हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एवरीडे कुकिंग सीरीज़ की सेकंड रेसिपी शेयर करूंगी, विच इज़ खटमिट काशीफल, यानी कि खट्टा मीठा काशीफल, जो कि 5 मिनट में बन जाएगा। इससे पहले मैं मेथी भुजिया शेयर कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और आज की रेसिपी भी मेरी मदर की है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आधा किलो काशीफल को हम बॉईल कर लेंगे। 1/4 कप पानी के साथ आधा टीस्पून नमक डालकर आपको एक सीटी लगानी है हाई फ्लेम पर, और फिर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देना है। एंड दैट्स ऑल, आपके कद्दू एकदम से स्टीम में हो जाएंगे। फिर एक कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। थोड़ी सी घी में हम हरी मिर्चों को टेम्पर करेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए घी में मिर्चों का। देन 1/2 टीस्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ जिंजर पेस्ट, एंड 1/2 टीस्पून मेथी दाना का पाउडर, देन 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। दिस वन इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल, दिस इज़ जस्ट फॉर द कलर। मेरी मदर को पसंद है डालना, सो शी प्रिफर्स। एंड इसके बाद हम इसमें अपना कद्दू डाल देंगे जो हमने उबाला हुआ था, कद्दू यानी कि काशीफल। और इसको आपको अच्छे से चलाना है, सौते करना है, ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काशीफल में अपना पानी होता है, तो देखिए अपने आप ये 2 मिनट के अंदर, इसको आप मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो अपने आप पानी आ जाएगा। सो काफ़ी हद तक हमारा काशीफल यहाँ हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि हमने उबालते टाइम भी नमक डाला था, तो आप एज़ पर टेस्ट यहाँ डालेंगे। देन आप डालेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर, बिकॉज खट्टा मीठा फ्लेवर देना है। एंड 3/4 टीस्पून आप डालेंगे पाउडर्ड शुगर। सो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए या कम मीठा। बस इसको मिक्स कीजिए और 2 मिनट और पकाइए ऐसे ही, एंड योर सब्ज़ी इज़ रेडी। बस बन गई 5 मिनट में। फ्रेश कोरिएंडर से आप इसको सर्व करिए, एंड सुपर्ब लगती है गरम गरम फुल्को के साथ। सो डू शेयर दिस रेसिपी।